दोस्तों, अगर मेरी कार का ब्रेक पैड या ब्रेक शू ख़त्म हो जाता है तो हम उसको कैसे चेंज करें, किस तरीके से चेंज किया जाएगा और किस लिए चेंज किया जाता है और ये क्यों ख़त्म हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले, अगर आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक नए हैं, आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ब्रेक पैड, ब्रेक शू कैसे चेंज किए जाते हैं और क्यों चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जब क्या होता है कि जब हम लोग ब्रेक को लगाते हैं तो ब्रेक जो होता है वो ये ब्रेक पैड होता है, आप देख रहे हो ये ब्रेक पैड है, इसके अंदर लगा हुआ है, ये ब्रेक पूरा लगाता है। ठीक है, तो ब्रेक पैड जब लगता है, जब अंदर से आप ब्रेक दबा दो, ये देख रहे होंगे आप वायर गया है एक, ये होता है ब्रेक पैड के लिए, उसको ग्रिप्स करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पैडल अंदर से दबाओगे तो यहाँ पे ब्रेक लगेगा। ठीक है, तो इसको चेंज करना था। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर कभी भी आपको चेंज करना होगा तो पहले टायर ढीले कर लेते हैं, चारों, 1 2 3 4 चारों नट बोल्ट ढीले कर लेते हैं, फिर जैक लगा करके इसको ऊपर करते हैं। ये अभी जो लगी है ये हांडी लगी हुई, बीच में जैक हटा दिया गया क्योंकि कैंटून में 2-3 घंटे आप आधे घंटे जैक पे कार का वजन नहीं लोड कर सकते हो क्योंकि जग कभी भी बैठ सकता है, तो इसको हम लोग लगा देते हैं ताकि इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसको कई लोग हांडी भी बोलते हैं, कई लोग इसको ठैन बोलते हैं, कई लोग इसको रॉड बोलते हैं, रॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी कार के सारे टिकी रहते हैं। फिर उसके बाद हम टायर को निकाल करके और कार के नीचे रख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको खुलवा करके इसको चेंज करते हैं, इसको फिर नया लगा दें। अगर ये घिस जाता है तो इसको हम लोग नया लगा देंगे। ठीक है, इसको नया लगाने के बाद हमारे कार में ब्रेक लगने लगेगा, बढ़िया तरीके से ब्रेक अच्छे तरीके से लगने लगेगा, जैसे कि आप सब इसमें देख रहे होंगे कि ब्रेक पैड होता है, ये ब्रेक पैड होता है तो ये ग्रिप्स करता है, ब्रेक लगाता है टायर को, मेरी कार को जो कंट्रोल करता है ये चारों टायर में लगा होता है। ठीक है, लेकिन ब्रेक पैड जो होता है वो दो ही टायर में आगे लगा जाता है और जो पीछे होता है वो ब्रेक शू होता है, जो पीछे के टायर में होता है वो ब्रेक शू होता है, आगे के टायर में सिर्फ ब्रेक पैड लगता है। ठीक है, क्योंकि आगे के टायर जो होते हैं उसी में आपका एक्सल होता है जो टायर को घुमाता है। आप देख रहे हो ये एक्सल लगा हुआ अंदर से, ये जो लगा हुआ ये एक्सल है, ये एक्सल यही जो है घुमाता है, स्टेयरिंग हो गई आपकी। ठीक है, और एक्सल आपका ये रहा, आपका ये वाला एक्सल है आपका, ये कैंचीज को बोलते हैं, ये आपकी स्टेयरिंग है। ठीक है,